आज ही ना आया, बस 8-10 दिनों में। क्या कर दिया उसके साथ? अरे क्या कर दिया? फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि मेरी फेवरेट सब्जी कौन सी है। भाई देखो कैसे मजे ले रहा है बंदा। अबे यार क्या कर रहा है, इसको किसने दे दी है हमारी नली? क्या दिखा रहा है तू? मैं खींचू तेरे को, मैं खींचू यार। आज भी नेट नहीं चल रहा। ओ भाई क्या कर रहा है दोबारा? अरे यार नहीं यार, मैं उसमें ही नाऊंगा डायरेक्ट। आहा भाई देखो, हम अंडे के बीच के पार्ट को नहीं खाता हूँ अब मैं, तो उस वजह से भाई आज से हमने इसके लिए खिलाना शुरू कर दिया हुआ है। पतला साया, शायद ही मोटा हो जाए 1-2 महीने में। ए रंदे रंदे रंदे, देखो भाई कितनी जल्दी जल्दी खा रहा है यार। अंडे इसके पसंदीदा हैं शायद, नॉन वेज तो इनका पसंदीदा होता है। क्या कर रहा है? अच्छा देख रहा है अभी, इस चिल्ली में देख रहा है ये है क्या? नहीं सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम रोहित कुमार है, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है 1:15 पे। यार ये क्या हो गया, लाइट चली गई यार, लाइट कम से कम 3-4 बार चली गई अभी तक, और पता नहीं यार और लाइट अभी तक 3 बार जा चुकी है, और 3 बार भाई बिना लाइट के हुए। तो ये नहाते भी नहीं है, खाते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं बिना लाइट के, ये भी नहीं करता और मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। और ए भाई आज मैंने नहा के ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया हुआ है, स्पेशली भाई मैं आपको बताता हूँ कि तो स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि मेरी एक फेवरेट सब्जी बनी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसको नहाने के बाद ही खाना खाऊंगा उसके साथ, मतलब अपनी सब्जी जो फेवरेट है उसके साथ। अबे यार ये मेरे से पहले नहा लिया, आज ही ना आया, बस 8-10 दिनों में। तो मैं सोच रहा था कि उसको नहाने के बाद ही खाऊंगा जो मेरा खाना है, क्योंकि आज मेरी फेवरेट सब्जी बनी हुई है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी मेरी कौन सी फेवरेट सब्जी है। वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है यार, तो अब मेरे ब्लॉग्स के साथ बने रहिए, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी नहाया हूँ यार, मैंने सिर्फ पूरी डाइट ली हुई थी, डाइट मैंने ले ली थी 12 बजे, और 1 घंटे का इंतज़ार इसलिए किया हुआ था क्योंकि ये नहा रहा था उसमें। तो बहुत तो ये नारा था इसमें, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया अभी, लगभग 1.5 घंटा लेट हो गया खाना खाने के लिए। और कुछ कारण वो था कि मेरे को नहा के ही खाना था वो, क्योंकि बगैर नहाए तो मैं कभी कभी ना नॉर्मल सब्जियों को खाता हूँ, अपनी फेवरेट सब्जी जो है वो उसको मैं नहा के खाता हूँ भाई। तो दिखाता हूँ आपकी कौन सी सब्जी है मेरी फेवरेट। क्यों लटक रहा था उस पर? क्या दिखाता है तू? हाँ अरे ये अबे नहीं, अरे नहीं यार ये तो ये जो कह दे, नहीं इसको जो कह देते ना वही बन जाता है ये। देखो तो आज खाना खाने के लिए इतना टाइम हो चुका है मुझे, और अभी आपने जो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो क्लिप्स देखी थी पपी के साथ, अबे चिल्ला रहा है वो, क्या कर दिया उसके साथ? अरे क्या कर दिया, तो जाना तू जाना जल्दी। मैं यार पता नहीं, वो घर में आ रहा था शायद, तो जो अंडे का बीच का पार्ट होता है उसके लिए खिलाना स्टार्ट कर दिया है हमने, क्योंकि मैं तो खाता नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है वो अंडे का जो बीच वाला पार्ट है। अबे यार इनको जन क्या क्या कन्फ्यूजन होती रहती है मेरे बोलने में। तो भाई मैं जो अंडे का बीच का पार्ट है उसके लिए खिलाने लग गया हूँ, क्योंकि मैं नहीं खाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है मुँह में, तो इस वजह से भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भाई मैं सिर्फ वाइट पार्ट खाने लग गया हूँ उसका, जो अंडे का होता है। फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि मेरी फेवरेट सब्जी कौन सी है, दिखाता हूँ भाई आपको भी पता चल जाएगा आज। तो ये वाली है मेरी फेवरेट सब्जी भाई, बहुत ज़्यादा फेवरेट है यार, जो ये कटहल है ये देखो। अबे यार तू नहीं, मैं लूंगा पहले, मैं लूंगा, नहीं मैं लूंगा पहले।
मैं लूंगा पहले। मम्मी। पहले मैं। वैसे देख लिया आपने, ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट वाली सब्जी, ये और जो आमली होती है ना, चिकन मंचूरियन है। चिकन मंचूरियन कुछ नहीं, कटहल है इसका नाम भाई, आप देख पा रहे होंगे। कटहल नहीं, कटहल। कटहल है, कटहल, 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 कटहल है तो भाई, कटहल। कमेंट में मेरे को बता देना, ये जबरदस्ती कर रहा है और बहुत ज्यादा। तो गाइस ये जिद कर रहा है कि इसका नाम कटहल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका नाम कटहल है भाई, मेरी मान लिया कर भाई। कटहल नहीं, कटहल। गाइस आपको बताओ कि ये कटहल सब्जी है या कटहल, क्या नाम है इसका, कमेंट में जरूर बता देना अगर आपको पता है तो। ये वाली और आमी की सब्जी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। प्रशांत तेरी आमी की सब्जी फेवरेट नहीं है? मेरी फेवरेट है, पर मीठी वाली फेवरेट। मीठी वाली, खट्टी वाली, वही चीनी वाली खाता है ये तो। भाई साहब आज मजे आ रहे हैं यार रोटी खाने में बहुत ज़्यादा। तो गाइस खाना खा के फ्री हो चुका हूँ बिल्कुल मैं, और भाई नॉर्मली डेज में मैं लगभग 2 रोटियों के लगभग खाता हूँ, 3 रोटियां खाई थी नॉर्मल डेज से, एक ज़्यादा क्योंकि मेरा फेवरेट है। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा धमाका होगा। ओह, तो क्योंकि ये मेरी फेवरेट है भाई सब्जी, तो इस वजह से भाई 3 रोटियां खा ली, वरना नॉर्मल डेज में मैं बस 2 रोटियां खाता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरा डाइट से ही बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है तो रोटियां इतनी नहीं खा पाता हूँ। और थोड़ी चिरपुरी पसंद थी मेरे को, तो इस वजह से मैंने भाई और भी ज़्यादा मिर्च डाल ली थी उसमें, और थोड़ी अच्छी और ज़्यादा हो गई मेरे लिए वो। हाँ बड़ा धमाक करो। ओ करो करो करो। ओ यार ये बहुत बड़ा था। हमारे घर में स्प्लेंडर आई हुई है अभी, तो इस वजह से भाई प्रशांत के लिए इस पर टेस्ट कराते हम कि पैर पहुंचेंगे या नहीं। प्रशांत दिखाता हूँ, रुक जा एक सेकंड प्रशांत, मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ा पहले हैं, चल कर आओ। तो पकड़ नहीं रखा मैंने, खुद ही कर रहा है सब कुछ, देखो छोड़ दिया है भाई अभी। यार बस थोड़ा समय और प्रशांत, थोड़ा सा टाइम और, ठीक है। वैसे चला तो लेगा तू, लेकिन यार कभी कभी चक्कर पड़ जाएगा फिर, इस वजह से छोटे को नहीं चलाने देंगे अभी हम तेरे को, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए उसके बाद चला लिया करना। ओके ओके सर, ओके सर, हम आपको सिखा देंगे। तो भाई ऐसे स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट। तो डर गया डर गया यार ये, और देखो मीटर कंसोल कैसा है यार इसका, देखो है ना, थोड़ा साफ कर लेता हूँ। देखो ये स्पीडो पेट्रोल का ब्लिंक कर रहा है इसमें अभी भाई, और कुछ ये दिखा रहा है सर्विस का, और ये मैन स्टैंड, जब स्टैंड लगा होता है, चुप रहा लगा होता है ना, तो उस पर ये चालू नहीं होगी शायद। प्रशांत चालू करके देखना यार, इसमें स्टैंड किल वो है क्या, कैसे करते भाई? उसको हाँ क्लिच पकड़ो, कर दो। हाँ नहीं होगी, तो ये इसमें एडवांटेज है भाई, नया आया हुआ है तो इस वजह से एडवांटेज दे दिया है इसमें कि ये जो स्टैंड लगा रहेगा तो ये चालू नहीं होगी, कितनी भी कोशिश कर लेना आप, जब ये स्टैंड हटेगा ना तभी ये चालू हो पाएगी भाई। और कलर भी काफ़ी अच्छा शानदार है। तो भाई इसमें एडवांटेज ये है कि ये गियर में और स्टैंड में होगी तो ये स्टार्ट नहीं होगी, और अगर इसका एक गियर निकाल दिया जाए, ये रही न्यूट्रल, अब ये चालू हो जाएगी, तो है ना। अब देखना आप, अब इसमें मैं लगाता हूँ गियर। हाँ लगा रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। तो ये कर दिया मैंने एक गियर इसमें, अब ये स्टार्ट नहीं होगी। देखो ये क्लिच भी पकड़ लेता हूँ, फिर भी नहीं होगी। देखो प्रशांत यहाँ सेल्फ दबा, सेल्फ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ देखो नहीं होगी, ये स्टैंड में और गियर में रहती है तो नहीं होती है, और अगर न्यूट्रल कर दी तो स्टैंड में भी चालू हो जाएगी, तो इसमें एडवांटेज तो है भाई। तो भाई पूरी बीत चुकी है ये, देखो ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो अब इसको रीफिल करवा के लेके आते हैं भाई अभी। और गाइज इसके बाद का जो ब्लॉग शूट होगा वो हमारा इवनिंग टाइम में होगा, जैसा कि आप रोज़ देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो दिन में जो खाली टाइम होता है तो उसमें मैं ब्लॉग शूट नहीं करता हूँ, मैं बस
सुबह और शाम को करता हूँ। तो अभी मैं आपको शाम को मिलूँगा, इसको मैं भरवाने जा रहा हूँ क्योंकि ये पूरी खल चुकी है गाइस, कल ही खल चुकी थी लेकिन मैं नहीं जा पाया, आज जा रहा हूँ। अभी मैं प्रशांत जाएंगे, तो चलो भाई जाता हूँ मैं और आपको मिलता हूँ इवनिंग टाइम में। सो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं आ गया हूँ दोबारा अपना जो ब्लॉग है शूट करने। मैंने आपसे बोला था कि शाम को अपना जो ब्लॉग है वो दोबारा शूट करेंगे हम लोग, और मैं आपके सामने हाजिर हूँ भाई। मैं और प्रशांत, देखो प्रशांत चल कपड़े न उतार ले, इन चल कपड़े न उतार ले, चल ये चल कपड़े न उतार ले यार, चल 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 चल, चल, चल। मुश्किल से जगा के लेके आया था इसको मैं, जाग भी नहीं रहा बंदे, 5:30 बज गए फिर भी इसकी नींद नहीं खुल रही थी। देखो आँख कैसी हो रही है बिल्कुल, आखिरकार मान गया बंदा। अरे भाई खींच खींच के मत करे यार इनको। ओ भाई आराम से आराम से। ये यार ये क्या कर रहा है, जबरदस्ती करवा रहा हूँ तब कर रहा है क्या ऐसा, हैं? जबरदस्ती करवा रहा हूँ तब कर रहा है क्या ऐसा, मुँह ना बता, हैं? बता? आजकल ऐसे खाने लग गए लोग। तो गाइस देखो 5:30 से ज़्यादा बज चुके हैं और सनसेट का कोई नाम नहीं है अभी तक। यार बहुत ज़्यादा धूप निकलने लग गई है, और आज तो इतनी ज़्यादा कड़क धूप थी कि यार पानी भरवाने गए थे ना तो पूरा भाई हाथ जल गया मेरा, और ना सच में बता रहा हूँ यार बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी गर्दन पर इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी। तो भाई उस धूप में ना मेरे पर रुखा नहीं जा रहा था थोड़ा सा भी, जिसकी वजह से मैं दुकानदार से जल्दी जल्दी बोलने लग रहा था कि भर दे जल्दी सीधा भर दे। तो गाइस आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के पास, और प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, उनसे भी मेरे को सपोर्ट कराओ जिससे कि सपोर्ट आता जाए और मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आपको, बाय बाय गाइस। अबे सोता हुआ बोल रहा है। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड एंजॉय योर लाइफ विद माय डेली ब्लॉग्स, एंड आई होप कि आपको मेरे सारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे।